हेलो हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। दोस्तों आज हम बात करेंगे संघ लोक सेवा आयोग के जो पिछले साल जो पेपर हुआ था यूपीएससी का, जिसका पूरा नाम है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो दोस्तों उस पेपर के बारे में हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि आईएएस एग्ज़ाम में दोस्तों किस तरह का प्रश्न पूछता है, किस तरह के प्रश्नों को उठाता है, उसके बारे में हम आज देखेंगे। तो दोस्तों ये जो पेपर हुआ था ये प्री का पेपर है जो सन 2018 में हुआ था, 3 तारीख 6वां महीना सन 2018 को। और जो बुकलेट सीरीज आपका है वो डी है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम जानेंगे किस प्रकार का जो यूपीएससी है किस प्रकार के पेपर कंडक्ट कराता है। ठीक है, इसी आईएएस में दोस्तों रैंक होता है, जैसे यूपीएससी में ही आईएएस रैंक होता है, आईएएस होता है, फिर आईपीएस होता है, आईएफएस होता है, आईआरएस होता है, ऐसे तमाम रैंक होते हैं। तो दोस्तों हम आगे चलते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न यहाँ पे दिया है, पहला प्रश्न दिया है भारतीय क्षेत्रीय संचालन उपग्रह प्रणाली इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। IRNS S, जैसा कि दिया है IRNSS के तुल्य काली जियोस्टेशनी कक्षाओं में 3 उपग्रह हैं और भूतल काली जियोसिंक्रोनस कक्षाओं में 4 उपग्रह हैं। IRNSS की प्राप्ति संपूर्ण भारत पर और सीमाओं के लगभग 5500 वर्ग किलोमीटर बाहर तक, सन 2019 के मध्य तक भारत की पूर्ण वैश्विक प्राप्ति के साथ अपनी उपग्रह संचालन प्रणाली होगी। तो दोस्तों इसमें कौन सा सही है, केवल एक है या केवल एक और दो है, सी है, दो और तीन है, या कोई नहीं है? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर है दोस्तों ए है, केवल एक होगा। उसके बाद है दूसरा जो इसका प्रश्न है दोस्तों, दूसरा है निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। प्रकाश गुरुत्व द्वारा प्रभावित होता है, ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, पदार्थ अपने चारों ओर के दिक्काल को विकुंचित वार्प करता है। उपर्युक्त में से अल्बर्ट आइंस्टीन की अपेक्षिता के सामान्य सिद्धांतकार के भविष्य कथन कौन से हैं, जिसकी या जिनकी प्रायः समाचार माध्यमों में विवेचना होती है? तो दोस्तों केवल एक और दो है या तीन है, एक तीन है या एक दो तीन है? तो दोस्तों इसका जो आंसर सही है दोस्तों वो एक और तीन है, आंसर सी आपका सही है। उसके बाद है दोस्तों जैसा कि दिया है भारत में विकसित अनुवांशिक रूपांतरित सरसों जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों जीएम सरसों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीएम सरसों में मृदा जीवाणु के जीन होते हैं जो पादप की अनेक किस्मों के पीड़कों के विरुद्ध पीड़क प्रतिरोधक का गुण देते हैं। ठीक है, या फिर जीएम सरसों का विकास IARI और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है? तो इसमें दोस्तों उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है, ए है या बी है या सी है या डी है? अगर आप लोग अंदाज़ा बता सकते हैं तो कोशिश करिए। तो दोस्तों इसमें जो सही है आपका वो केवल दो सही है, ऑप्शन बी। उसके बाद दोस्तों जो आपका चौथा प्रश्न है वो है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कभी कभी समाचार संदर्भ में विषय में आने वाले शब्द बेल प्रयोग, कृत्रिम बुद्धि, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी, डिजिटल क्रिप्टो मुद्रा, CRISPR CAS9 कण भौतिकी, उपयुक्त युग्मों में से कौन सही सुमेलिखित है? ए सही है, ऑप्शन बी या सी या डी? तो दोस्तों इसमें जो आपका सही है वो ऑप्शन बी सही है, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी डिजिटल क्रिप्टो मुद्रा है। उसके बाद है दोस्तों ऑप्शन पांच की बात देखते हैं हम। पांचवा दिया है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कार्बन निषेचना कार्बन फर्टिलाइजेशन को सर्वोत्तम वर्णित करता है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि,
वायुमंडल में कार्बन और डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता कारण पृथ्वी का बढ़ा हुआ तापमान, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के परिणाम स्वरूप महासागरों की बढ़ती हुई अम्लता, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के द्वारा हुए जलवायु परिवर्तन के अनुरूप पृथ्वी पर सभी जीवधारियों का अनुकूलन। तो दोस्तों इसमें जो सही है आपका वो ए सही है, ये वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई सांद्रता कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि। उसके बाद है आपके सामने छठवां, यार ऐसे ही आईएस आईएस नहीं कहते हैं इसको, ठीक है, ऐसे ही प्रश्न इसमें आप बनते हैं। जब सुबह आपके स्मार्टफोन का अलार्म बजता है तो आप उठ जाते हैं और अलार्म बंद करने के लिए उसे थपकी देते हैं, जिसे से आपको गीजर स्वत ही चल पड़ता है। आपके स्नानागार में लगा स्मार्ट दर्पण दिन के मौसम को दर्शाता है और आपकी ऊपरी टंकी में पानी के स्तर का भी संकेत देता है। जब आप नाश्ता बनाने के लिए अपने रेफ्रिजरेटर से कुछ किराना सामान निकाल लेते हैं या इसमें भंडारित सामान में आई कमी को जान लेता है और ताजे किराना सामानों की पूर्ति के लिए क्रय आदेश देता है। जब आप घर से बाहर कदम रखते हैं और दरवाजे पर ताला लगाते हैं तब सभी बत्तियां, पंखे, गीजर और एसी मशीनें स्वतः बंद हो जाती हैं। आपके कार्यालय के रास्ते पर आपकी कार आगे आने वाले यातायात की भीड़ के बारे में आपको चेतावनी देती है और वैकल्पिक रास्ते का सुझाव देती है, और यदि आपको किसी बैठक के लिए देर हो रही तो यह उसके अनुसार आपके कार्यालय में संदेश भेज देती है। इन आविर्भूत होती हुई संचार प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में उपर्युक्त परिदृश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पद सबसे उपयुक्त रूप से लागू होता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका छठवें का बी, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल नहीं होगा, ये होगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स ही कर सकता है, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भारत प्रकाश वोल्टी इकाइयों में प्रयोग में आने वाले सिलिकॉन वेपर्स को दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। सौर ऊर्जा शुल्क का निर्धारण भारतीय सौर ऊर्जा निगम के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए बी सी डी, इसमें से कौन सही? तो दोस्तों इसमें से ऑप्शन डी सही है, मतलब न तो एक सही है न दो सही है, दोनों गलत हैं। उसके बाद दोस्तों 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पर्ण पदार्थ स्टेपल कमोडिटीज क्या थे? पहला अपरिष्कृत कपास, तिलहन और फीम था, या चीनी, नमक, जस्ता और सीसा था, या तांबा, चांदी, सोना, मसाले और चाय थे, या कपास, रेशम, सोरा और अफीम था? तो दोस्तों इसमें जो है ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, जो दिखाया कपास, रेशम, सोरा और अफीम था, ऑप्शन डी सही। उसके बाद दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय स्तर पर अधिवक्ता, अभिविद्यार्थी और महिलाओं की सक्रिय सहभागिता, राष्ट्रीय आंदोलन में दलित और आदिवासी समुदायों की सक्रिय भागीदारी, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना, रोपण फसलों तथा वाणिज्यिक फसलों की खेती, भारी गिरावट। तो दोस्तों इसमें जो नौवें का जो सी है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना, ये सही है, ये ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा 1948 में स्थापित हिंद मजदूर सभा के संस्थापक थे? ऑप्शन ए बी सी डी दिया है, तो दोस्तों इसमें जो होगा ऑप्शन 10 में डी है, अशोक मेहता, टी एसरा मानुजम और जीजी मेहता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो दोस्तों ये होगा आपका जैन मत से है, ऑप्शन बी सही है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा तथा खानकाह के निर्माण में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ था। लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग हुआ था। तो दोस्तों इसमें जो सही है आपका ऑप्शन ए सही है, फतेहपुर सीकरी वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद है निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरो और हीरे की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की?
तो दोस्तों इसका जो सही आंसर वो है जियां बैप्टिस्ट टर्बानियर, ये ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद है दोस्तों, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो दोस्तों इसका जो सही है वो ऑप्शन है मैत्रेय, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। उसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता? तो इसमें है दोस्तों, जैसा कि दिया, दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना, कंपनी के लिए एक नियम आय का प्रबंध करना, भारतीय सियासत से ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्च स्थापित करना। तो इसमें होगा आपका जो सही है वो सी है, कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा इसमें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जैसा कि इसमें दिया है, पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता नहीं मिल सकती है, लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य न हो तो उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती है, उपरोक्त में से कौन सा सही है? तो दोस्तों बी सही है, केवल दो, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1996 में मान्यता नहीं मिल सकती है। उसके बाद है दोस्तों, नेक्स्ट जो है, मरुस्थल क्षेत्रों में जल ह्रास को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पर्ण रूपांतरण होते हैं? कठोर एवं मोरमी पर्ण, लघु पर्ण, पर्ण की जगह कांटे, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर बताइए। तो इसमें है दोस्तों तीनों सही है, ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही है। उसके बाद है NSSO के 17वें चक्र संचालित कृषक कुटुंबों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, राजस्थान में ग्रामीण कुटुंबों में कृषि कुटुंबों का प्रतिशत सर्वाधिक है, देश के कुल कृषि कुटुंबों में 60% से अधिक OBC के हैं, केरल के 60% से अधिक कृषि कुटुंबों ने यह सूचना दी कि उन्होंने अधिकतम आय गैर कृषि स्रोतों से प्राप्त की है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसमें 18 का सी जो है बिल्कुल सही है, एक और दो, एक और जो तीन है आपके बिल्कुल सही हैं। उसके बाद है राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT किस प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB से भिन्न है? NGT का गठन एक अधिनियम द्वारा किया गया, जबकि CPCB का गठन सरकार के कार्यपालक आदेश से किया गया। NGT पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है और उच्चतम न्यायालयों में मुकदमे के भार को कम करने में सहायता करता है, जबकि CPCB झरनों तथा कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता था, देश में वायु गुणवत्ता में सुधार लाने का लक्ष्य रखता है। तो 19वां है दोस्तों, इसमें क्या सही है? तो इसका जो बी है बिल्कुल सही है, बी सही है। ठीक है, अब 20वां है इसका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की नवीं अनुसूची में डाल सकती है, नवीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है, उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता है, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? एक दो, एक और दो, न तो एक न तो दो। तो दोस्तों इसका जो सही है वो है केवल एक, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। उसके बाद है दोस्तों, कभी कभी समाचारों में आने वाले पद व्यापारी छूट कर मावेंट डिस्काउंट रेट को निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सही स्पष्ट करता है? यह किसी बैंक द्वारा किसी व्यापारी को उस बैंक की डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने के लिए दिया जाने वाला प्रोत्साहन है, यह बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को वस्तुओं और सेवाओं के क्रय हेतु वित्तीय लेन देन के लिए डेबिट कार्ड का प्रयोग करने पर वापस दी जाने वाली राशि है, यह बैंक द्वारा किसी व्यापारी पर अपने ग्राहकों के डेबिट कार्ड से भुगतान पर लेने पर लगाया जाने वाला शुल्क है, यह सरकार द्वारा व्यापारियों को अपने ग्राहकों से पॉइंट ऑफ सेल मशीनों और डेबिट कार्ड के माध्यम से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए दिए जाने वाला प्रोत्साहन है। तो इसमें दोस्तों कौन सा सही है? तो इसमें है आपका 21वें का सी, सी दोस्तों सही है। अब दिया है, किसी देश के नाभिकीय पूर्तिकर्ता समूह के सदस्य बनने के क्या परिणाम हैं? इसकी पहुंच नवीनतम और सबसे कुशल परमाणु प्रौद्योगिकी तक
हो जाएगी। यह सौम्यव नाभिकीय आयुध अपसार संधि का सदस्य बन जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही होगा वो है आपका ए, केवल ए होगा, मतलब ऑप्शन ए सही है। अप्रवासी सत्तुओं द्वारा दी जा रही ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं पर भारत का 6% संकरण पर लगाए जाने के निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आयकर अधिनियम के भाग के रूप में लागू किया गया है। भारत में विज्ञापन सेवाएं देने वाले अप्रवासी सत्व अपने गृह देश में दोहरे कराधान से बचाव समझौते के अंतर्गत टैक्स क्रेडिट का दावा करते हैं। तो इसका है दोस्तों न तो एक होगा न दो है, दोनों गलत है, मतलब डी ऑप्शन सही है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन समीक्षा समिति के प्रतिवेदन में सिफारिश की गई वर्ष 2020 तक केंद्र एवं राज्य सरकारों को मिलाकर ऋण जीडीपी का अनुपात 60% रखा जाए, जिसमें केंद्र सरकार के लिए 40% तक तथा राज्य सरकार के लिए 20% हो। राज्य सरकारों के जीडीपी के 49% की तुलना में केंद्र सरकार के लिए जीडीपी का 21% घरेलू देयताएं हैं। भारत के संविधान के अनुसार यदि किसी राज्य के पास केंद्र सरकार की बकाया देयताएं हैं तो उसे कोई भी ऋण लेने से पहले केंद्र सरकार से सहमति लेना अनिवार्य होगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है दोस्तों? तो उपर्युक्त कथनों में आपका ऑप्शन सी सही है, केवल 1 और 3। उसके बाद है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिछले 5 वर्षों में आयातित खाद्य तेलों की मात्रा खाद्य तेलों के घरेलू उत्पादन से अधिक रही है। सरकार विशेष स्थिति के तौर पर सभी आयातित खाद्य तेलों पर किसी प्रकार का सीमा शुल्क नहीं लगाती है। तो दोस्तों इसमें आपका होगा ए सही है, ऑप्शन ए सही है। उसके बाद है, उन्होंने मैजनी गैरिबाल्डी शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। इसमें कौन है दोस्तों सही? तो ये है आपके लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी सही। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आधार कार्ड का प्रयोग नागरिकता या अधिवास के प्रमाण के रूप में किया जाता है। एक बार जारी करने के पश्चात इसे निर्गत करने वाला प्राधिकरण आधार संख्या को निष्क्रिय या लुप्त नहीं कर सकता। कौन सा कथन सही है इसमें दोस्तों? तो इसमें कथन जो आपका सही है वो है आपका डी, न तो एक है न तो दो, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा मानव क्रियाकलापों के कारण हाल में बहुत अधिक संकुचित हो गया या कहें सूख गया है? तो ये होगा आपका 1 और 3, मतलब न अराल सागर है, काला सागर, बैंग झील जिसको बैकाल झील भी बोलते हैं, तो न 1 और 3 आपका ये सही है, अराल और बैंग झील। विधि का नियम सूचकांक रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? अमनेस्टी इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त कार्यालय, विश्व न्याय परियोजना। तो दोस्तों इसको किया जाता है डी, विश्व न्याय परियोजना के द्वारा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है? भारतीय बैंक एसोसिएशन, राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेप लिमिटेड है, या भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम है, या भारतीय रिजर्व बैंक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका आंसर जो है सी है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एटीएम पे कभी कभार लिखा रहता है ये चीज़। उसके बाद है, निम्नलिखित अब थोड़ा ऐसे थोड़ा आसान आ रहा है दोस्तों, आप बने रहिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन वैध मुद्रा लीगल टेंडर मनी के अर्थ को सही विपरीत करता है? न्यायालय को विधिक मामलों के लिए फीस के चुकाने में जो मुद्रा दी जाती है वह मुद्रा जो कोई ऋणदाता अपने दावे के निपटान में स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है, चेक, ड्राफ्ट, विनिमय बिलों आदि के रूप में बैंक मुद्रा, किसी देश में चलन में मुद्रा। तो इसमें दोस्तों जो सही है वह 31 का में होगा दोस्तों, चेक नहीं है, वह मुद्रा जो कोई ऋणदाता अपने दावों के, ऑप्शन बी सही है ये। उसके बाद यदि सरकार द्वारा कोई वस्तु जनता को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है तो क्या होगा? तो कराई जाती है तो दोस्तों विकल्प लागत को उत्पाद के उपभोक्ता से कर देने वाली जनता को अंतरिम कर दिया जाता है, ऑप्शन सी सही है। निरपेक्ष तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक जीएनपी की वृद्धि आर्थिक विकास की ऊंची दर का संकेत नहीं करती है यदि,
औद्योगिक उत्पादन कृषि उत्पादन के साथ साथ बढ़ने में विफल रह जाता है, कृषि उत्पादन औद्योगिक उत्पादन के साथ साथ बढ़ने में विफल रह जाता है, निर्धनता बेरोजगारी वृद्धि होती है, निर्यातों की अपेक्षा आयात तेजी से बढ़ते हैं। तो इसमें दोस्तों होगा ऑप्शन सी सही है, निर्धनता बेरोजगारी में वृद्धि होती है। उसके बाद है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक संकल्प के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या उस प्रक्रिया के रूप में की जाती है जिनके द्वारा किसी देश के व्यक्ति अधिक पूंजी का संचय कर पाते हैं। देश के लोगों के ज्ञान कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि हो जाती है, गोचर धन का संचय हो जाता है, अगोचर धन का संचय हो जाता है। ऑप्शन इसमें कौन सा सही है बताना है दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन आपका जो है सी बिल्कुल सही है, 2 और 4 ऑप्शन सी। उसके बाद है उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी यह किस कारण पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में परिणामित नहीं हो पाता है? कमजोर प्रशासन तंत्र, निरक्षरता, उच्च जनसंख्या घनत्व, तो उच्च पूंजी उत्पादन अनुपात। तो दोस्तों इसमें जो सही है वो है उच्च पूंजी उत्पादन अनुपात, ऑप्शन डी सही है। उसके बाद है संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपवैज्ञानिक शासन द्वारा कौन कौन से उपाय किए गए हैं? संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया, किसी संथाल का गैर संथाल की भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया, ऑप्शन कौन सा सही है? तो इसमें है दोस्तों ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 1 और 2। उसके बाद है आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था, भारतीय हस्तशिल्पों के निर्यात में वृद्धि, भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन सी है बिल्कुल सही है, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन तथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है तो उस राज्य की विधानसभा स्वतः भंग हो सकती है, उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा उसके प्राधिकार के अधीन प्रायोज्य होंगी, उस राज्य में अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है, राष्ट्रपति उस राज्य से संबंधित विधियां बना सकता है। तो इसमें होगा दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। शिल्प किस राज्य की परंपरा है? पुथुकुल्ली सॉल तमिलनाडु, सुजनी कढ़ाई महाराष्ट्र, उपाडा जामदानी साड़ी कर्नाटक, उपयुक्त में से कौन सा सही है दोस्तों? तो दोस्तों ए बिल्कुल सही है, पुथुकुली साल तमिलनाडु मैच है, ऑप्शन ए। उसके बाद है दोस्तों जीपीएस तकनीकी का उपयोग निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में हो सकता है? मोबाइल फोन प्रचलन, बैंकिंग प्रचलन, पावर ग्रिडों का नियंत्रण। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन डी है बिल्कुल सही है, क्योंकि ये तीनों सही हैं। उसके बाद है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार की प्रतिभूतियों का प्रबंधन और प्रयोजन करता है किंतु किसी राज्य सरकार की प्रतिभूतियों को नहीं। भारत सरकार कोष पत्र ट्रेजरी बिल जारी करता है और राज्य सरकारें कोई कोष पत्र जारी नहीं करती। कोष पत्र ऑफर अपने समतुल्य से बट्टे पर जारी किए जाते हैं, इसमें से कौन सा सही है ऑप्शन में? तो दोस्तों इसमें सही है ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, 2 और 3 ऑप्शन सी। उसके बाद निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ 100,000 सालों में उत्क्रमित हुआ है। पृथ्वी जब 4,000 मिलियन वर्षों से भी अधिक पहले बनी तो ऑक्सीजन 54% थी और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी। जब जीवित जीव पैदा हुए तो उन्होंने पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को बदल दिया, इसमें से कौन सा सही है दोस्तों बताइए आप लोग? तो इसमें होगा सही 42 का सी। उसके बाद बालाकाई पेट्या और इंटर्स लब्लू पद जो हाल ही में समाचारों से उल्लिखित थे निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित हैं? एक्सोप्लैनेट्स, प्रछंदन मुद्रा, क्रिप्टो करेंसी, साइबर आक्रमण, लघु उपग्रह। तो दोस्तों इसमें जो सही है आपका वो ऑप्शन है सी साइबर आक्रमण। उसके बाद है भारतीय कृषि में परिस्थितियां के संदर्भ में संरक्षण कृषि की संकल्पना का महत्व बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन कौन से संरक्षण कृषि के अंतर्गत आते हैं? एक धान्य कृषि पद्धतियों का परिहार, न्यूनतम जोत को अपनाना, बागानी फसलों की खेती का परिहार, मृदा धरातल को ढकने के लिए फसल अवस्थी का उपयोग, स्थानिक एवं कालिक फसल अनुक्रमण, फसल आवर्तनों का अपनाना। तो दोस्तों इसमें होगा आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी 2, 4 और 5। उसके बाद
45 क्वेश्चन वहाँ है। छठा व्यापक विलोम, छठा विलोम यह सब किसकी विवेचना के संदर्भ में समाचारों में प्रायः उल्लिखित होता है? दोस्तों याद रखिएगा, किस जब एग्ज़ाम आप आईएएस का देने जाएं तो व्यापक स्तर पर आप स्टडी करिएगा, और जितने भी चैनलों पे जो डिबेट्स आते हैं जो राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत महत्व रखते हैं उनको बहुत ही ध्यान से देखिएगा समझिएगा, तभी आप निकाल सकते हैं। विश्व के बहुत से भागों में कृषि में व्यापक रूप से एक धान्य कृषि तथा कृषि प्रथा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक कृषि के साथ रसायनों की अविवेकी प्रयोग के परिणाम स्वरूप अच्छे देसी परितंत्र की हानि, आसन भविष्य में पृथ्वी के साथ उल्कापिंड की संभावित टक्कर का भय जैसा कि 65 मिलियन वर्ष पहले हुआ था, और सौर जिसके कारण डायनासोर की जातियां समेत अनेक जातियों का व्यापक रूप में विलोप हो गया, विश्व के अनेक भागों में आनुवंशिक रूपांतरित फसलों की व्यापक रूप में खेती और विश्व के दूसरे भागों में उनकी खेती को बढ़ावा देना जिसके कारण अच्छे देसी फसली पादपों का विलोप हो सकता है और खाद्य जैव विविधता की हानि हो सकती है। ऑप्शन डी, मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का अति शोषण, दुरुपयोग, प्राकृतिक आवासों का सम विभाजन, नाश, परितंत्र का विनाश, प्रदूषण और वैश्विक जलवायु परिवर्तन। तो दोस्तों इसमें जो सही है वो है आपका ऑप्शन डी, बिना सोचे समझे मार दीजिए, क्योंकि हम लोग जब पढ़ते हैं ना तो तभी क्लियर हो जाता है कौन सा होना चाहिए। उसके बाद है दोस्तों, निम्नलिखित में से किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1828, या प्राचविद या अगलविद विवाद। दोस्तों इसमें कौन सा सही है? तो दोस्तों इसका है केवल दूसरा, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1828। उसके बाद है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? कोडाइकनॉल, तमिलनाडु, कोलेरू प्रदेश, नैनीताल, रेणुका, हिमाचल। तो दोस्तों इसमें जो सही है वो ऑप्शन ए है, तमिलनाडु, कोडाइकनाल तमिलनाडु। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। श्रम रोजगार मंत्रालय की फ्लैगशिप स्कीम 2 या अन्य चीज़ों के साथ साथ सॉफ्ट स्किल, उद्यम वृत्ति, वित्तीय और डिजिटल साक्षरता में प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगी, या देश के अविनियमित कार्यबल की कार्यकुशलताओं को राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा के साथ जोड़ेगी? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो सी होगा, 2 और 3 है, तो ऑप्शन सी सही है। उसके बाद है, 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया? ऑल इंडिया होम रूल लीग, हिंदू महासभा, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो दोस्तों इसमें होगा आपका ए बिल्कुल सही, ऑल इंडिया होम रूल लीग, ऑप्शन ए सही है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की, या दीनबंधु ने दर्पण का लेखन किया, या बंकिम चंद चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ का लेखन किया, या सत्येंद्रनाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा में सफलता पाने वाले पहले भारतीय बने? तो दोस्तों ये होगा दीन बंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया, ऑप्शन बी सही है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा या नदी तल में बहुत अधिक बालू खनन का संभावित परिणाम हो सकता है? नदी की लवणता में कमी, भौम जल का प्रदूषण, भौम जल स्तर को नीचे ले जाना। तो कौन सा प्रयोग सही उत्तर है चुनिए बताइए। तो इसमें है दोस्तों बी, 2 और 3 सही। उसके बाद है, कृषि मृदाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मृदा में कार्बनिक पदार्थ का उच्च अंश इसकी जल धारण क्षमता को प्रबल रूप से कम करता है। गंधक चक्र में मृदा की कोई भूमिका नहीं होती है। कुछ समयावधि तथा तक सिंचाई कुछ कृषि भूमियों के लवणी भवन में योगदान कर सकती है। तो इसमें दोस्तों सही होगा आपका केवल ऑप्शन 3 सही है, ऑप्शन बी सही, केवल 3। उसके बाद है, हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी PAGE को अपेक्षाकृत हरित एवं अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था की ओर देशों के संक्रमण में सहायता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक क्रियाविधि है आविर्भूत हुई। तो इसमें कौन सा सही है दोस्तों? तो इसमें सही है आपका बी, रियो डी जेनी में 2012 के संधारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में। उसके बाद है, 3D मुद्रण का निम्नलिखित में से किस में प्रयोग होता है? मिष्ठान की चीज़ें बनाने में, जय इलेक्ट्रॉनिक के कण निर्माण में, ऑटोमोटिव उद्योग में, पुनर्निर्माणकारी शल्यक्रम में, दत्त डेटा संसाधन प्रौद्योगिकी में। कौन सा सही है? तो इसमें आपका जो है ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, मतलब सब में 1, 2, 3, 4 और 5। निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है।
पिछली बार बैरन द्वीप ज्वालामुखी 1991 के उद्धार हुआ था और तब से यह निष्क्रिय बना हुआ है, कौन सा सही है? तो यह है दोस्तों ए, बिल्कुल सही है। उसके बाद है प्रोसोपिस जूली फ्लोरा नामक पादप प्रायः क्यों समाचारों में उल्लिखित होता है? तो दोस्तों इसका जो है, जिस क्षेत्र में उगता है वहाँ की जैव विविधता को कम करने लगता है, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विश्व की सर्वाधिक प्रबल भित्तियाँ उष्णकटिबंधीय सागर जलों में मिलती हैं, विश्व की एक तिहाई से अधिक प्रबल भित्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस के राज्य क्षेत्रों में अवस्थित हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा प्रबल भित्तियाँ कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का पर पोषण करती हैं। तो दोस्तों इसका है ऑप्शन डी, 1 और 2, 3 सही है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही। उसके बाद है दोस्तों मोमेंट्स फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूटन नाउ, यह पहल किसके द्वारा प्रवर्तित की गई? जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, यूएनईपी सचिवालय, यूएनएफसीसी सचिवालय, विश्व मौसमिक विज्ञान संगठन। तो दोस्तों यह है आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, यूएनएफसीसी सचिवालय, ऑप्शन सी सही है। उसके बाद है दोस्तों भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, बनारस का संस्कृत कॉलेज विलियम जोन्स, कलकत्ता मदरसा वॉरेन हेस्टिंग्स, फोर्ट विलियम कॉलेज आर्थर वेलेज़ली। तो उपयुक्त में से कौन सही समूह में लिखित है आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें केवल बी सही है, मतलब जो केवल दो है वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कलकत्ता मदरसा जो बनवाया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने बनवाया था। उसके बाद है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, क्षेत्र जो कभी कभी देश समाचारों में उल्लिखित होते हैं, कैटालोनिया स्पेन, क्रीमिया हंगरी, मिंडानाओ फिलीपींस, रोमिया नाइजीरिया। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन है वो सी सही है, केवल 1 और 3 ऑप्शन सी बिल्कुल सही। उसके बाद है निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए, पूंजी पर्याप्तता अनुपात CAR वह राशि है जिसे बैंकों को अपनी निधियों के रूप में रखना होता है, जिससे वे यदि खाताधारकों द्वारा देयताओं का भुगतान नहीं करने से कोई हानि होती है तो उसका प्रतिकार कर सकें। CAR का निर्धारण प्रत्येक बैंक द्वारा अलग अलग किया जाता है। ठीक, तो इसमें होगा दोस्तों केवल ए सही है, ऑप्शन ए केवल 1। पहचान प्लेटफॉर्म आधार खुला ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस PI उपलब्ध कराता है, इसका क्या अभिप्राय है? यह किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ एकीकृत किया जा सकता है, परितारिका का प्रयोग कर ऑनलाइन प्रमाणीकरण संभव है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर वो है बी, केवल 2। फिर है बिल्कुल हाल में निम्नलिखित में से किन देशों में लाखों लोग या तो भयंकर अकाल एवं कुपोषण से प्रभावित हुए या उनकी युद्ध संजातीय संघर्ष के चलते उत्पन्न भुखमरी के कारण हुई? तो दोस्तों वो है आपका ऑप्शन डी, यमन और दक्षिण सूडान में हुआ था ऐसा। उसके बाद वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? यह सहायता अनुदान व्यवस्था शुरू की गई, विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश, शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई। तो इसमें कौन सा सही है? तो यह है ऑप्शन ए जिसमें दिया 1 और 2, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। उसके बाद भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति इनकी समीक्षा करती कि और सदन को सूचित करती कि जो विनियम नियम उपनियम उपविधि आदि बनाने की शक्तियां संविधान द्वारा प्रदत्त है या सदन द्वारा प्रत्यायोजित है उनका कार्यपालिका द्वारा इन प्रत्यायोजनों की परिधि के भीतर उचित प्रयोग हो रहा है? तो इसमें है दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति। उसके बाद है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, शिक्षा का अधिकार RTI अधिनियम के अनुसार किसी राज्य में शिक्षक के रूप में नियुक्त होने हेतु अर्ध होने के लिए किसी व्यक्ति में संबंधित राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता का होना आवश्यक है। RTI अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुरूप लिए गए अध्यापक अर्हता परीक्षण में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। भारत में 900 से अधिक अध्यापक शिक्षा संस्थान प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकारों के अधीन हैं। तो इसमें है दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल सही है जिसमें दिया केवल बी, मतलब केवल 2। उसके बाद है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, परंपरा राज्य चपचार कुट त्यौहार मिजोरम में, खोंग जॉम परबा गात गीत मणिपुर में, थांगटा कृत नृत्य सिक्किम, कौन सा सही सूर में लिखित है बताना है।
तो इसमें दोस्तों बी है, एक और दो, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। उसके बाद है, निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम सन 2006 ने खाद्य अप मिश्रण की रोकथाम प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन अधिनियम प्रतिस्थापित 1954 को किया। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FMSAI केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक के प्रभार में है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, केवल ए एक जो दिया है। उसके बाद है दोस्तों, कभी कभी समाचार में उल्लिखित पद टू स्टेट सॉल्यूशन किसकी गतिविधियों के संदर्भ में आता है? चीन, इजराइल, इराक, यमन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों वो है आपका इजराइल, क्योंकि वहाँ पे फिलिस्तीन और इजराइल की चर्चा होती है। उसके बाद है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सन 2013 के अधीन बनाए गए उपबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। केवल वे ही परिवार सहायता प्राप्त खाद्यान्न लेने की पात्रता रखते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हों, बीपीएल श्रेणी में आते हैं। परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की सबसे अधिक उम्र वाली महिला की राशन कार्ड निर्गत किए जाने के प्रयोजन से परिवार का मुखिया होगी। गर्भवती महिलाएं, दुग्ध पिलाने वाली माताएं गर्भावस्था के दौरान उसके 6 महीने बाद तक प्रतिदिन 1600 कैलोरी वाला राशन घर ले जाने की हकदार हैं। तो वो होगा आपका ऑप्शन बी सही है, केवल बी, केवल दो जिसमें है। उसके बाद दोस्तों, भारत में माल के भौगोलिक संकेत रजिस्ट्रेशन और संरक्षण अधिनियम 1999 को निम्नलिखित में से किससे संबंधित दायित्वों के अनुपालन के लिए लागू किया गया? ILO, IMF, UNCTAD, WTO। तो इसमें दोस्तों जो सही होगा ऑप्शन डी होगा, WTO। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में राज्य सरकारों को गैर कोयला खदानों की नीलामी का अधिकार नहीं है। आंध्र प्रदेश और झारखंड में सोने की खदान नहीं है। राजस्थान में लोहे की आयस की खदानें नहीं है। इनमें से कौन सा सही है बताइए आप? वो है दोस्तों आपका डी, केवल तीन, राजस्थान में लोहे की खदानें हैं। उसके बाद है, डिजिटल भुगतान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भीम ऐप उपयोग करने वाले यह ऐप UPID सक्षम बैंक खाते से किसी को धन का स्थानांतरण करना संभव बनाता है, जहाँ एक चिप पिन डेबिट कार्ड में प्रमाणीकरण के 4 घटक होते हैं। भीम ऐप में प्रमाणीकरण के 2 घटक होते हैं। कौन से कथन सही हैं दोस्तों? तो इसमें आपका ए, केवल एक। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? तो वो है आपका ए, बेंगलुरु। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 188 एवं 182 अभिसमय किससे संबंधित है? तो वह दोस्तों बाल श्रम से संबंधित है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। भारत के किसी राज्य में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई साम्यवादी दल की सरकार, भारत का उस समय का सबसे बड़ा बैंक इंपीरियल बैंक इंडिया, जिसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रखा गया, एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और यह राष्ट्रीय भाग बन गया। गोवा स्वतंत्र भारत का अंग बन गया। तो इसमें है दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ठीक, ऑप्शन बी इसका होगा। इसके बाद निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया गया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे अनु उपयुक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है? तो ये है आपका अनुच्छेद 14 एवं संविधान के 42वें संशोधन के अधीन या अनुच्छेद। तो इसमें होगा दोस्तों आपका जो है सी सही होगा, अनुच्छेद 21 भाग 2 में गारंटी की गई स्वतंत्रताएं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सुपारी, जौ, काफी, रोगी, मूंगफली, तिल, हल्दी। निम्नलिखित उपयुक्त में से किसने न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने की? तो इसमें होगा दोस्तों जो आपका बी है, ऑप्शन बी सही है, केवल 2 पांच 100, 2 जौ, 5 मूंगफली, 6 तिल। उसके बाद है, निम्नलिखित राज्यों में किस एक में पाखोई वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है? तो वो है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद है, भारत के उपग्रह प्रमोचित करने वाले वाहनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। PSLV से वे उपग्रह प्रमोचित किए जाते हैं जो पृथ्वी के संसाधनों के मॉनिटरन में उपयोगी हैं, जबकि GSLV को मुख्यतः संचार उपग्रहों को प्रमोचित करने के लिए अभिकल्पित किया गया है। PSLV द्वारा प्रमोचित उपग्रह आकाश में एक स्थिति में स्थायी रूप से स्थिर रहते प्रतीत होते हैं, जैसा कि पृथ्वी एक विशिष्ट स्थान से देखा जाता है। GSLV MK
थर्ड एक चार स्टेज वाला प्रमोचन वाहन है जिसमें प्रथम और तृतीय चरणों में ठोस रॉकेट और मोटरों का तथा द्वितीय और चतुर्थ चरणों में द्रव रॉकेट इंजन का प्रयोग होता है। तो इसमें दोस्तों केवल मतलब ऑप्शन ए सही है जिसमें केवल ए लिखा है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संचालन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिछले दशक में भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी के अंतर्वेशन में लगातार वृद्धि हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों का सुव्यवस्थित करने के लिए मूल भारतीय स्टेट बैंक के साथ सहयोगी बैंकों का विलय किया गया। इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें है दोस्तों बी, ऑप्शन बी सही है जिसमें केवल दो। उसके बाद है निम्नलिखित मदों पर विचार कीजिए। छिलका, उतरे हुए अनाज, मुर्गी के अंडे, पकाए हुए संसाधित और डिब्बाबंद मछली, विज्ञापन सामग्री युक्त समाचार। उपयुक्त मदों में से कौन सा जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत छूट प्राप्त है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें है केवल एक, छिलका, उतरे हुए अनाज। उसके बाद है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संकटपूर्ण वन्य जीव पर्यावास क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट की परिभाषा वन अधिकार अधिनियम 2006 में समाविष्ट है। भारत में पहली बार बैगा जनजाति को पर्यावास हैबिटेट अधिकार दिए गए हैं। केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत के किसी भाग में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों के लिए पर्यावास अधिकार पर आधिकारिक रूप से निर्णय लेता है और उसकी घोषणा करता है। इसमें है दोस्तों ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन एक और दो। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पक्षी, उड़ती धूल, वर्षा, बहती हवा, उपयुक्त में से कौन से पादप रोग फैलाते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4, ये चारों पादप रोग फैलाते हैं। भारत में जैविक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैविक उत्पादन के राष्ट्रीय कार्यक्रम LAPOP केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के मार्गदर्शन एवं निर्देश के अधीन कार्य करता है। NPOP के क्रियान्वयन के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण सचिवालय के रूप में कार्य करता है। सिक्किम भारत का पहला पूरी तरह से जैविक राज्य बन गया है। तो इसमें है दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, केवल 2 और 3। धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसी बिल विधेयक धन विधेयक तब माना जाएगा जब इसमें केवल किसी एक कर के अधिरोपण, उन्मूलन, माफी, परिवर्तन या विनिमय से संबंधित प्रावधान होगा। धन विधेयक में भारत की संचित निधि एवं भारत की आकस्मिक निधि की अपरेचा से संबंधित उपबंध होते हैं। धन विधेयक भारत की आकस्मिकता निधि से धन के वियोजन से की संबंधित होता है। धन विधेयक भारत सरकार द्वारा धन के उधार लेने या प्रत्याभूत देने के विनिमय से संबंधित होता है। तो दोस्तों इसमें होगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। उसके बाद अब भारत की राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक MLA के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य में अधिक होता है। तो इसमें दोस्तों होगा ऑप्शन ए, केवल ए। भारत के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के अतिरिक्त नयाचार एडिशनल प्रोटोकॉल का अनुसमर्थन करने का निर्धारित क्या है? तो वो होगा दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, असैनिक परमाणु रिएक्टर IAEA के रक्षा उपायों के अधीन हो जाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, भारत, जापान, USA, उपरोक्त में से कौन सा ओशियान का मुक्त व्यापार भागीदार में से है? तो वह है आपका ऑप्शन सी, 1, 4, 5, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान। उसके बाद है दोस्तों जलवायु अनुकूली कृषि के लिए वैश्विक सहबंध ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट्स एग्रीकल्चर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए तो दोस्तों इसका बी सही है, केवल 2। निम्नलिखित में से कौन से भारत सरकार का डिजिटल इंडिया योजना का उद्देश्य है? भारत की अपनी इंटरनेट कंपनियों का गठन जैसा कि चीन ने किया, एक नीतिगत ढांचे की स्थापना जिसे बड़े आंकड़े एकत्रित करने वाले समुद्र पारी बहुराष्ट्रीय कंपनी को प्रोत्साहित करना किया जा सके और हमारी राष्ट्रीय भौगोलिक सीमाओं के अंदर अपने बड़े डेटा केंद्रों की स्थापना करें, हमारे अपने अनेक गाँवों को इंटरनेट से जोड़ना तथा हमारे बहुत से विद्यालय, सार्वजनिक स्थलों तथा एवं प्रमुख पर्यटकों केंद्रों में वाईफाई लाना। तो इसमें होगा दोस्तों बी सही है, केवल 3। उसके बाद है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कभी कभी समाचार में उल्लिखित शहर है ओलेप्पो, सीरिया, किरकुक, यमन, मोसुल, फिलिस्तान, मजार शरीफ, अफगानिस्तान, कौन सा सही है? ऊपर के मंदिर कौन सा सही सुम लिखित है? यह है दोस्तों
एक और चार, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। और सीरिया और मजार शरीफ अफगानिस्तान। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थीं? तो दोस्तों वो दी गई थीं गवर्नर जनरल को, ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधानसभा का अध्यक्ष यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा। जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देगा। यह है ऑप्शन एक, केवल एक सही है। विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से किस में से कौन प्रतिबंधित करता है? तो यह है यदि विधियाँ अधिक होती हैं तो स्वाधीनता कम हो जाती है, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्रवाई स्थगित नहीं की जाएगी। किसी राज्य के राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। इसमें है दोस्तों ऑप्शन सी, एक और दोनों, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। सुप्रसिद्ध चित्र बड़ी ठगी किस शैली का है? तो वो है दोस्तों ऑप्शन डी, किशनगढ़ शैली का। कभी कभी समाचार में उल्लिखित टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस क्या है? ये है दोस्तों अमेरिकी मिसाइल प्रतिरोधी प्रणाली है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो है दोस्तों आपका ऑप्शन बी, केवल दो और चार, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। उसके बाद दोस्तों लास्ट जो प्रश्न है आपका वो आपके सामने है। निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? लक्षणों का परिसीमन विधि के समक्ष क्षमता, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, तो स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। तो इसमें जो सही है दोस्तों ऑप्शन सी, केवल दो, एक दो चार। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया देकर बताएं कैसा लगा हमारा वीडियो। नमस्कार, धन्यवाद।